जैस भीमामी सरदारपुर ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। अंबेडकर अनुयायियों एवं मूल निवासी आदिवासियों को वैचारिक आतंकवादी कहने वाले रामदेव बाबा के खिलाफ उनके प्रोडक्टों का बहिष्कार कर रामदेव जी पर एफआईआर करने व कठोर कार्रवाई के लिए सरदारपुर एसडीएम को जैस भीम आर्मी इकाई सरदारपुर एवं समस्त एसटीएससी मूल निवासी समाज ने सौंपा ज्ञापन। बता दें कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद दलित सामाजिक संगठन भीम आर्मी ने उनका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन करने की बात कही है। वहीं दूसरी बाबा रामदेव को चेताया है कि वो समाज से माफी मांगे, नहीं तो उनके उत्पादों का बहिष्कार किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। सरदारपुर जगदीश मारू को जो ज्ञापन दिया गया है, योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा जो है उनने बाबा भीमराव अंबेडकर एवं जैस आदि संगठनों के विचारों को आतंकवाद बताते हुए उनने हमें ठेस पहुँचाई है, जिससे कि कई चीज़ें हमारे आने वाले समय को और हमारे अधिकार को लेकर हम अगर लड़ते हैं तो हम कौन सा गलत करते हैं। हमने किसी प्रकार से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है और ना ही हमने किसी को आरोप प्रत्योग किया है और ना ही उनको अधिकार है किसी पर आरोप प्रत्योग लगाने का। और उनने जिस प्रकार से बताया है आतंकवाद का बोला है उनने, तो वो इसकी परिभाषा बताएं और वो सिद्ध करें कि हम किस रूप से आतंकवाद है। अन्यथा उनके खिलाफ हम पूर्ण जितने भी संगठन हैं जो कि SC ST से SC ST OBC माइनॉरिटी सभी लोग मिलकर उनके विरुद्ध FIR करवाएंगे और हम उनको किसी भी तरीके से हम उन्हें योग गुरु मानने से इनकार करते हैं। अगर योग गुरु होते तो उनको इस प्रकार से बातें करने का अधिकार नहीं है। आपका और उनके द्वारा बनाए गए जितने प्रोडक्टों का हम लोग बहिष्कार करेंगे और बहिष्कार इसलिए किया जाएगा क्योंकि उनके द्वारा जो है अपने खुद को होम्योपैथिक से बताया इलाज करवाते हैं और खुद का जो है वो दूसरों को आयुर्वेदिक दिखाते हैं, जिससे कि कहीं की जान धंधा करते हैं, कहीं की जान जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों को लेकर हम सब लोग मिलकर समस्त संगठन जैस भीम आर्मी अंबेडकर युवा संघ और जितने भी संगठन हैं सभी लोग मिलकर हम लोग आज जो ज्ञापन दिए। आपका नाम? भारत सिंह सोलंकी, युवा अंबेडकर संघ क्षेत्र भीम आर्मी एवं बाम सेफ का जिला उपाध्यक्ष।